एक ऐसा टेस्ट जिसको अगर आप करवा लेते हैं तो उस टेस्ट के करवाने मात्र से ही आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, मतलब कि आपकी जो फर्टिलिटी है वो उस टेस्ट की वजह से भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो मतलब समझ में आया कि अगर वो टेस्ट आप करवा लेंगी तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि ऐसा टेस्ट करवाने से ही बिना किसी ट्रीटमेंट के क्या ये टेस्ट भी एक ट्रीटमेंट का काम कर सकता है, किन लोगों के लिए है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये टेस्ट क्या है। ठीक है, कौन सा टेस्ट ऐसा होता है, कब इसको परफॉर्म करवाना है, कब नहीं करवाना है, किसको नहीं करवाना है, ये भी आपको समझ लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे कि HSG टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये फीमेल्स के लिए टेस्ट होता है, जिन फीमेल्स को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, तो उनको ये टेस्ट एक बार ज़रूर करवाना चाहिए अच्छे हॉस्पिटल में जाके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सो माय नेम इज़ एकता, है ना आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने इस चैनल को, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगी कि ये टेस्ट क्या है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ओके, चलिए समझते हैं। तो इसका HSG का नाम है हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। अभी देखो, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ कि एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि फीमेल्स के ऊपर ही परफॉर्म किया जाता है, महिलाओं के ऊपर। तो इसमें करते क्या हैं कि जो फीमेल्स हैं उनका यूट्रस की और जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनकी एक ये समझिए फोटोज़ खींची जाती हैं, एक तरीके से एक्सरे की जाती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तैयारियाँ करनी है इस टेस्ट से पहले, कब जाना है कब नहीं जाना है, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो फीमेल्स इस टेस्ट को करवाना चाहती हैं, तो पहली बात तो ये कि उन फीमेल्स को जाना चाहिए जब भी आपके पीरियड्स शुरू होते हैं। मतलब आपके पीरियड 5 से 6 दिन तक चलते हैं, 5 दिन तक, किसी के 7 दिन तक। तो जब भी आपकी ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, लगभग 4-5 डेज पे किसी किसी बिल्कुल ब्लीडिंग है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, उसके बाद जाना है। ठीक है, तो जब आपके पीरियड्स खत्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीरियड्स हो चुके उसके 6-7 दिन बाद जाना है, जी नहीं। जैसे ही आपके पीरियड्स शुरू हुए तो उसके शुरुआत से लेके मतलब आपके ब्लीडिंग खत्म हो गई उसके बाद आपको जाना है, मतलब 6ठे या फिर 7वें दिन आपको जाना है। या फिर किसी को फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो 1 दिन और डिले कर सकता है और डॉक्टर से मिलके बात पूछ भी सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं जब वो फीमेल वहाँ पे जाती है, तो किसी को साथ लेके जाए तो सबसे बढ़िया है। अब मैं इसमें ये भी बताऊँगी क्या ये पेनफुल है, क्या मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं सारे इसमें क्लियर करते हुए चलूँगी। तो इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, पहले जब फीमेल जाती है तो 15-20 मिनट पहले उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और इसका एवरेज ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स तक, ये टेस्ट इसका जो प्रोसेस है वो हो जाता है कंप्लीट। इसके बीच आपको एंटीबायोटिक्स भी दे दी जाती हैं और फिर आपकी रिपोर्ट भी आ जाती हैं, तो ये पूरा ड्यूरेशन इसका होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है, पहले हम ये ही समझ लेते हैं। तो ये एक गर्भाशय का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इससे गर्भाशय को देखा जाता है और जो ये ट्यूब्स हैं इनको देखा जाता है कि ये सही हैं या फिर नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। ठीक है, ये सब यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ करते क्या हैं, एक डाई को इंसर्ट किया जाता है, डाई जिसे कोई कलर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जिसको इस वजाइना के थ्रू गर्भाशय में इंसर्ट किया जाता है और वहाँ से एक प्रेशर के साथ भेजा जाता है और यहीं से ये ट्यूब्स के अंदर भी भेजा जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो डाई होती है ये इसी की फोटो भी खींची जाती है। तो इसका प्रोसीजर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से जो फीमेल है उसको रूम में ले जाके लिटा दिया जाता है, इस तरीके की उनकी सीट होती है। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक स्पेशल तरीके का औजार होता है जिसको यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पेक्युलम। तो जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें इंसर्ट किया जाता है ये,
ये पेनफुल नहीं होता है क्योंकि जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही होता है। ये क्या काम करता है कि जो दीवारें होती है वजह उसको स्ट्रेच करने का काम करता है ताकि जो प्रोसीजर किया जाए वो बिल्कुल आसानी से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा चौड़ा किया जाता है, किसकी हेल्प से, स्पेक्युलम की हेल्प से थोड़ा रास्ता बनाया जाता है। फिर एक इंजेक्शन के जैसा होता है लेकिन ये एक्चुअल में पेन नहीं होता है कि कहीं इसके लगाने से पेन हो जाएगा, जी नहीं। इसके अंदर क्या है कि एक डाई होती है, एक इंजेक्शन होता है जिसके थ्रू डाई को इंसर्ट किया जाता है और साथ में देखिए इसी रास्ते से ऐसे इंसर्ट किया जाता है। ये आपका गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स में भी फिर ये चला जाता है। यहाँ से समझते हैं हम कि देखिए कैसे होता है। देखिए जैसे कि ये फीमेल की जो वजाइना है तो यहाँ से स्पेक्युलम लगाते हैं ताकि ये थोड़ी स्ट्रेच रहे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक इंजेक्शन के जैसा होता है जिसमें कि डाई होती है और साथ में इसकी फोटोज भी ली जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये समझिए एक औजार होता है जिसके हेल्प से डाई इंसर्ट की जाती है, बहुत ही प्रेशर के साथ जाती है डाई यूट्रस के अंदर। ये गर्भाशय है, ठीक है, उसकी कैविटी में दवाई भर जाती है। डाई मतलब क्या है, डाई का मतलब यही है कि ये जब जो इसकी फोटोग्राफी होगी अंदर तो उसमें जो एक्सरे है उसमें ये पता चल जाए कि जहाँ पे डाई जा रही है उसकी एक अलग ही पिक्चर दिखाई देगी और जहाँ पे डाई नहीं जा रही है उसकी एक अलग ही पिक्चर दिखेगी। ठीक है, तो ये डाई इंडिकेट करती है कि ये रास्ता बिल्कुल क्लियर है। और इससे क्या क्या देखा जाता है, इससे ये भी पता किया जाता है कि जो फीमेल है उसका जो गर्भाशय है उसकी कैविटी मतलब जिसमें बच्चा रहता है वो कैविटी प्रॉपर है या नहीं है, उसका साइज ठीक है या नहीं है, उसकी शेप प्रॉपर नहीं है या फिर प्रॉपर है, ये भी देखी जाती है। और जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं क्या वो बिल्कुल क्लियर हैं, मतलब उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अब ये बात मैं आपको बोल रही थी कि क्या इससे ये टेस्ट करवाने मात्र से ही प्रेगनेंसी हो सकती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए उसके लिए आपको जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी फीमेल के अंडा प्रॉपर तरीके से बन रहा है, जो मेल है उसका स्पर्म भी काफ़ी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस भी ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनमें थोड़ा बहुत ब्लॉकेज होता है। ठीक है, मतलब म्यूकस का किसी भी तरीके का ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से जो स्पर्म यहाँ से जाते हैं वो अंडे से मिल नहीं पाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उनको हर बार यही लगता है कि मेरे प्रॉपर तरीके से पीरियड्स आ रहे हैं, ओव्यूलेशन हो रहा है, मेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमी नहीं है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। तो उनके लिए ये है कि अगर आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो जिस प्रेशर के साथ ये जो दवाई इंसर्ट की जाती है, दवाई हम बोल रहे हैं डाई होती है, एक कलर होता है जैसे कि इसे फोटो क्लियर आए, तो वो जो डाई है वो जब जाती है प्रेशर के साथ तो ये जो नलियां हैं आपकी ट्यूब्स हैं ये भी अच्छे से खुल जाती हैं। अगर छोटा सा कोई ब्लॉकेज है तो वो भी क्लियर हो जाता है, इसके साथ ही चला जाता है। और फिर ये डाई क्या करती है, जैसे आपकी पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है, मतलब जो आपको आपका जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पे जाके, ठीक है, बाद में इस डाई का क्या होगा, ये यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपकी पेल्विक कैविटी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है जिसको किया जाता है। अब देखिए इसकी मैंने बताया कि आपको एक्सरे रिपोर्ट भी मिलेगी कि क्या आपको प्रॉब्लम है, इसका प्रॉपर शेप है या नहीं है, साइज है या नहीं है। दूसरी बात, किसी किसी को एंडोमेट्रियोसिस होती है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो आपकी ये पेल्विक वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी जो आपकी गर्भाशय की जो अंदर की दीवार है जिसके अंदर बच्चा जाके धंस जाता है बाद में अगर प्रेगनेंसी होती है, तो वो दीवार कभी कभी क्या है कि उसके कुछ टिश्यूज़ आपके पेल्विक कैविटी में चले जाते हैं, मतलब हो सकता है कि आपके स्टमक के आसपास चले जाएं या फिर कहीं इधर उधर यूट्रस से बाहर निकल जाएं, मतलब गर्भाशय से बाहर निकल के कहीं पर भी वो ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे, ये अगर बहुत ही एडवांस स्टेज पे चला गया है तो वो चिपकाने का काम शुरू कर देता है, अंगों को आपस में एडेशंस बना देता है, मतलब चिपकाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है कि जो गर्भाशय है उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, जो गर्भाशय है उसके अंदर हो सकता है इस तरीके की दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से भी क्या है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या फिर क्या हो सकता है
कि आपको कहीं पे भी कोई घाव हो गया है, या तो पेल्विक हिस्से में बाहर मतलब गर्भाशय से बाहर हो गया है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर आपके यहाँ पे जो यूट्रस है इसके आसपास कहीं पे भी या फिर इसके अंदर कहीं पे भी क्या है कोई घाव हो गया है, मतलब ये है कि हो सकता है कि स्कारिंग हो गई हो, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है ना तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि क्यों टेस्ट करवाना चाहिए। ओके, तो चार बातें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं कि किसी को इनफर्टिलिटी होने की संभावना है, मतलब वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा हो जाए बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस वजह से भी टेस्ट करवा के ज़रूर देखना चाहिए कि हो सकता है कोई ब्लॉकेज की इश्यू हो या फिर आपकी शेप ख़राब हो, यूट्रस की सही नहीं हो, कैविटी बहुत कम है, कुछ भी दिक्कत अगर होती है तो वो प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है, इसमें अंदर का एक्सरे किया जाता है। ओके, रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं किसी किसी के, जैसे कि दूसरे तीसरे महीने में ही क्या है बच्चा ख़राब हो जाता है, मतलब अपने आप ही अबोर्ट हो जाता है, मिसकैरेज हो रहा है, तो भी आपको ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। शेप ऑफ यूट्रस एंड यूटेराइन कैविटी मैंने अभी बता दिया आपको, उसमें हो सकता है स्कारिंग हो, मतलब आपके जो गर्भाशय है उसमें कोई घाव हो रखा है या फिर वहाँ पे कुछ एडिशन बन रहे हैं, मतलब एक जो अंगों को चिपकाने का काम हो रहा है जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं। ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो इसको देखने के लिए भी किया जाता है। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट किसको नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये टेस्ट नहीं करवाएंगी, ठीक है। दूसरा, पेल्विक इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन है, मतलब आपके जो ये वाला हिस्सा होता है अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन हो रखा है, हो सकता है आपके जननांग में इन्फेक्शन हो रखा हो, यहाँ के एरिया में कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन अंदर की अंदर जो अंग है वहाँ पे हो रखा है, तो आपको ये टेस्ट नहीं करवाना है। नेक्स्ट है एलर्जी, अगर कोई एलर्जिक है तो भी उसको ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो डाई होती है हो सकता है उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आ जाए, तो वो लोग भी ये टेस्ट ना करवाएं। रिएक्शन टू डाई, किसी किसी को जो ये डाई डाली जाती है बॉडी के अंदर उससे ही क्या है रिएक्शन हो जाती है उनकी बॉडी में, तो उनको भी ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। मतलब उनको इतना तो पता होता है कि मुझे दवाइयों से रिएक्शन होता है, किसी स्पेशल टाइप की अगर डाई है उससे आपको रिएक्शन हुआ है, आपकी कोई हिस्ट्री रही है, तो उनको भी ये टेस्ट नहीं करवाना है। और पीरियड्स के टाइम में भी, मतलब जब आपकी ब्लीडिंग चल रही होती है उस टाइम में आपको ये टेस्ट नहीं करवाना है, जैसे ही ब्लीडिंग खत्म होती है उसके बाद आप टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि पेन होता है या नहीं पहले मैं ये बता देती हूँ। तो जब ये प्रोसेस होता है तो उसमें थोड़ा बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बहुत पेन होता है। वो पेन इस तरीके का होता है कि जब आपके पीरियड्स आते हैं और जो क्रैम्प्स आपको फील होते हैं उतना आपको दर्द होता है, ठीक है, कोई उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको दर्द नहीं होगा लेकिन उतना तो आपको महसूस होगा, क्योंकि जो इंजेक्ट की जाती है दवाई अंदर बहुत ही प्रेशर के साथ, तो उससे आपको फील हो सकता है। ओके, अब देखिए, जब आपने टेस्ट करवा लिया उसके बाद क्या होगा कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग आपको दिखाई दे सकती है, थोड़ा बहुत आपको ब्लड आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें लगा हुआ मिल सकता है, तो इसके लिए आप अपने पैड्स वगैरह साथ रखें या फिर डॉक्टर्स भी दे देते हैं तो वो आपको यूज़ करने हैं एक दिन के लिए। और क्या हो सकता है, मैंने बताया कि जैसे कि आपके पीरियड टाइम में जो क्रैम्प्स आते हैं उसी तरीके से आपको उसके बाद भी, ये जो प्रोसेस हो गया है उसके बाद भी आपको ऐसा फील हो सकता है एक दिन के लिए। ओके, तो उसके लिए डॉक्टर आपको पेन किलर देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं कि कहीं कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि जब भी अनवांटेड चीज़ की जाती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स तो डॉक्टर देते ही हैं, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है। ओके, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ये जान लेने वाली है कि जब भी आप ये टेस्ट करवाते हैं और आपको क्या हो रहा है, आपका जो पेन है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब नॉर्मल जो पीरियड में है जो पेन होता है उससे भी ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि अगर आपको पेन के साथ फीवर भी आ रहा है तो भी दिक्कत है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। देखिए थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है
जैसे कि आपकी नॉर्मल रेगुलर जो पीरियड्स आते हैं उस तरीके से अगर आपको हो रहा है तो प्रॉब्लम की बात है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपनी कंडीशन दिखानी है। उसमें ये नहीं है कि आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको अंदर रिएक्शन हो गई हो, एलर्जिक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हो, अंदर आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करने लग गई हो, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो आज का वीडियो हमारा यही तक था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो जल्दी से लिख दीजिएगा, और कोई भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है तो मुझे आप बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अपने जो दो चैनल हैं SWM एकता ब्लॉग्स एंड एकता यूनिक, उस पर भी आप जाके अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पॉजिटिव रहिए और दूसरों के पास भी पॉजिटिविटी को ही भेजिए, नेगेटिविटी को आप ना भेजें। थैंक यू।